आई थिंक फिल्म राइटर के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, बिकॉज जिस घर में हमने ये सब फिल्माया वो घर नहीं है। उस घर के हिस्से में जहाँ भी मैं बैठता था कुछ मेरे दिमाग में आ जाता था, हाँ कभी सेट बन रहा था कभी घर बन रहा था। एंड जो सबसे मुश्किल बात थी वो डायरेक्टर होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दिस फिल्म इज अगेन इंडिपेंडेंट फिल्म, इंडिपेंडेंट फिल्मों को लेके हम लोग थोड़े उदासीन भी हो जाते हैं कभी कभी, यार कौन देखेगा कौन बनाएगा कौन इस तरह की फिल्म, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड बिकॉज आज के जमाने में कंटेंट इज द किंग, तो ये बहुत ही अच्छी हमें जो मौका, क्योंकि आप सोचिए मैं हरियाणा में रोहतक में रहता हूँ, ठीक है, जस्ट नॉट लाइक कि भाई रोहतक कहाँ और आपका में कहाँ, तो वो एक फर्क है, तो उस छोटी सी जगह पर बिकॉज ऑफ द डिजिटल चांदी चौक खुल जाएगा बिल्कुल आता सीखा, बट बीइंग डायरेक्टर इट वाज सो डिफिकल्ट कि आप अपने घर को या अपने उन लोगों को या कैसे मैनेज करते, बट बहुत सारी चीजें आई एम थैंकफुल टू होल्ड टीम जिन्होंने मुझे ट्रस्ट किया, उस सब्जेक्ट पर ट्रस्ट किया, मुझ पर ट्रस्ट किया, एंड मेरे फैमिली का तो सवाल नहीं कि मेरी माँ हमारा तीनों टाइम का कैटरिंग कर रही है, तो जैसे होम प्रोडक्शन खाना भी हमारा घर में मेरी माँ तीनों समय का बना रही थी, बट इसके बाद ये जब फिल्म का शूटिंग जैसा हो गया तो अगले दिन से मुझे ना ऐसा लग रहा था कि धीरे बोलो वो शूटिंग हो गया, मुझे नींद, हाँ वो बिकॉज मैं एक रूटीन बन गया था, उसके बाद मैंने कहा कि मैं 10 दिन इस घर से दूर जाना चाहता हूँ, मैंने सेट कर दिया। That's lovely. और ज्यादा टाइम भी लगेंगे, आई नो कि बहुत सारे लोग प्रोमो का वेट कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं और सर फिर से आपको दोबारा मिलेंगे, थैंक यू सो मच। हाँ माइक दूर ले जाइए।